और अब बात उत्तर प्रदेश की। बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच आज मतभेद का नया चैप्टर खुला। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक बीजेपी एनडीए में रार बढ़ रही है, जिसके सिग्नल रोज सामने आ रहे हैं। नया चैप्टर ऐड किया योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने। अनिल राजभर ने सुभाषपा चीफ और बीजेपी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को कुछ नसीहतें दी हैं, वो भी कुछ कड़े सवालों के साथ। चुनाव में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, हार जीत लगी रहती है, वोटों का थोड़ा कम ज़्यादा मिलना भी लगा रहता है, लेकिन उसको आधार बनाकर इस तरह की बात करना, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत छोटी बात है और ठीक से समीक्षा करना चाहिए। हमारे सर्वोच्च नेता पर कोई बात कहने से पहले सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट उनके बेटा को मिला है, उनको चिंता करने का विषय है कि राजभर समाज का वोट उनके पास न जाकर क्यों बटा। लीलावती राजभर एक निर्दल उम्मीदवार को 45,000 वोट कहाँ से मिल गया, ये सोचने का विषय है उनके लिए। वैसे मोदी सरकार के पिछले 10 साल और इस बार मोदी सरकार के 10 दिन, इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रचंड बहुमत और गठबंधन सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा कैसा होता है। मोदी सरकार के बहुमत वाले 10 साल में न तो पार्टी के अंदर से और न ही संघ की तरफ से कभी मुखर आलोचना हुई या फिर खुले मंच पर कभी असहमति जताई गई हो, लेकिन अब होने लगा है, वो भी सबके सामने। सवाल है, ऐसी सिचुएशन के पीछे की वजह क्या है? क्या संघ को बीजेपी से स्कोर सेटल करने का मौका मिल गया है? जब से आपने बयान दिया उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है, अहंकारी, क्योंकि जो अहंकार में था वो 241 पर आ गया, जो राम का विरोध कर रहा था वो 230 के आसपास आ गया सब मिलकर के। तो इसमें तो अल्टीमेटली यही इशारा मिला ना कि 241 पे तो जो बीजेपी आई है। ऐसा है कि जो सत्य है उसको मैंने अल्टीमेट बता दिया है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति और आस्था दिखाई वह श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में इस समय सरकार में हैं और उन्हीं के साथ देश आगे बढ़े, इसकी शुभकामना करते हैं। ये वो बातें हैं जो पर्दे के सामने हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, इसके संकेत मिलने लगे हैं। क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप और संघ के बीच विवाद का फायदा किसी और को मिल सकता है? कलह का दूसरा चैप्टर यूपी बीजेपी में भी दिखने लगा। मंथन, मीटिंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक हार की समीक्षा की जाने लगी। चर्चा होने लगी कि बीजेपी हारी या हराई गई या फिर हुआ भीतरघात। हालांकि चर्चा का केंद्र इस वक्त संघ बनाम बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेद का है, जो धीरे धीरे मनभेद में बदलता जा रहा है। क्या संघ और बीजेपी के बीच में इतनी गहरी खाई पैदा हो गई है? अगर ऐसा है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? अब जब सरसंघ चालक के रूप में मोहन राव भागवत जी कोई बात कहते हैं तो एक बड़ी बात है और उसका संदेश बहुत गहरे जाता है, गहरे जाना भी चाहिए कि जो भी संस्कार में संशोधन अपेक्षित है वो भाजपा में राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं को उनका संदेश है कि वो लोग ध्यान में रखें कि संघ क्या चाहता है। बीजेपी के लिए सवाल तो है, घर के अंदर भी, साथियों के भी, और विपक्ष तो मजबूत है ही, लेकिन कहते हैं हर अंत में एक आरंभ छिपा है। आगे विधानसभा चुनाव में जाना है, बीजेपी को वक्त रहते कोर्स करेक्शन करना होगा, वरना जिस तरह के हालात लोकसभा चुनाव में दिखे अगर ऐसा ही रहा, साथ ही टूटे रहे, तो स्टेट में भी वैचारिक संकट दिखाई पड़ सकता है।